तो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं आपको हमारे एक न्यूड में। दोस्तों आरबीआई ने एक आर्टिकल जारी किया है। दोस्तों इस आर्टिकल में कहा गया है जिस प्रकार से दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो सिम कार्ड चेंज करते थे, पोर्ट करते थे, उसी प्रकार से दोस्तों अब अपने जो भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है उसको आप किसी भी नेटवर्क में आप उस कार्ड को आप चेंज या फिर पोर्ट कर सकते। दोस्तों जिसको बोलते हैं कार्ड पोर्टेबिलिटी, जहाँ दोस्तों आप कार्ड पोर्टेबिलिटी से आप अपने नेटवर्क को भी आप किसी भी मनपसंद आप नेटवर्क में उसको चेंज कर सकते। तो चलिए दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो है बिना देर के शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम भट्ट, अगर आप देख मेरे YouTube चैनल टेक्निकल पाठक, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हमारे देश के अंदर 5 अभी जो भी नेटवर्क अवेलेबल है जो कि क्रेडिट कार्ड फिर डेबिट कार्ड देते हैं, जैसे कि दोस्तों हो गया हमारा वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, जो कि हमारे देश यानी कि स्वदेशी यानी कि इंडिया का है, और दोस्तों अमेरिकन है अमेरिकन एक्सप्रेस और दोस्तों डायनन क्लब। ये दोस्तों 5 जो है कंपनी जो हमारे देश के अंदर ये दोस्तों कार्ड को देती है। दोस्तों इन सारे नेटवर्क में भी आप अपने मनपसंद नेटवर्क में आप जिस नेटवर्क में आप चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को चेंज करना है फिर पोर्ट करना है, आप आसानी से अब कर सकते हैं 1 अक्टूबर के। दोस्तों आरबीआई ने 1 अक्टूबर से पहले बैंकों और दोस्तों यहां पर कस्टमर से ये दोस्तों राय मांगी है कि दोस्तों उनको इस बात से सहमत है कि कार्ड पोर्टेबिलिटी की क्या राय सही है। दोस्तों राय मांगी कि आपकी क्या राय, आप जरूर अपना राय बताइएगा। अब दोस्तों आपको 1 अक्टूबर के बाद अब अपने मनपसंदीदा क्रेडिट कार्ड को भी ले सकते हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड को अब अपने मनपसंद नेटवर्क में भी आप चेंज कर सकते हैं जिस नेटवर्क में आप चेंज कराना चाहते हो या फिर पोर्ट कराना चाहते हो। पहले और अभी के टाइम में क्या होता था कि बैंकों और दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क के बीच में ये दोस्तों टाइप अप हो जाता कि ग्राहक को कौन सा क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड दिया जाए। दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, दोस्तों ग्राहक क्या नीड है, ग्राहक कौन सा कार्ड लेना चाहते हैं, अब तो उसके जरूरतमंद से यहाँ पर बैंक को कार्ड देना पड़ेगा। दोस्तों आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर सुझाव का प्रस्तावना दिया है। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया जिससे बैंकों और दोस्तों ग्राहकों दोस्तों 1 अगस्त 2023 से पहले ये अपना सुझाव मांगा। तो चलिए दोस्तों ये समझ लेते हैं क्या जरूरत पड़ेगी सर आरबीआई को कार्ड पोर्टेबिलिटी करने की, क्या जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मौजूद समय में अभी भारत के अंदर अपने देश के अंदर 5 कार्ड नेटवर्क कंपनियां अभी मौजूद है, जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, रूपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और दोस्तों डायन क्लब। इन सारी कंपनियां भी हमारे अपने देश के अंदर यूज होती है, इनका नेटवर्क का ये जो नेटवर्क है इनका यूज होता है हमारे देश के अंदर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में। तो इन सारी कंपनियों का अलग फाइनेंशियल दोस्तों और अलग अलग बैंकों के साथ टाइप अप है, तो इसके कारण ग्राहक अपना मनपसंद कार्ड चुनने का ऑप्शन नहीं मिल जाता। अब 1 अगस्त के बाद अब अपना मनपसंद यहां पर आप नेटवर्क में आप अपने कार्ड को ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमें यह भी मौका मिल जाए, जैसे कि हमारा रूपे इंडिया का है, इंडिया का नेटवर्क है, तो हमें ये अभी अपने देश के अंदर कम है, क्योंकि दोस्तों अभी आपको बता दूं कि जो भी कंपनियां हैं तो अपना अपना अलग प्रकार के अपना जो भी कार्ड दे देती हैं, जैसे कि आप जाएंगे आपको क्रेडिट कार्ड में आपको रुपए का यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देखने को मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे देश के अंदर जो भी दोस्तों कस्टमर है ये दोस्तों रुपए नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब अपने क्रेडिट कार्ड में भी आप रुपए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। जैसे दोस्तों आपको बता दूं कि रुपए क्रेडिट कार्ड में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम किसी भी मर्चेंट को किसी भी दुकान पर अपने जो भी है अपने क्रेडिट कार्ड से किसी को पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से लिंक कर सकते दोस्तों, अपने यूपीआई आईडी से बना सकते हैं। दोस्तों आपको ये आर्टिकल से देखकर आपको क्या चर्चा है, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आपको इसका क्या राय है। फिलहाल तो आपको इस वाले वीडियो में बस यही छोटी जानकारी देने, तो आपको इससे संबंधित कोई भी कोई दिक्कत या फिर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में या फिर तो आपको नीचे ही कमेंट में रिप्लाई देकर आपको समझाने का मैं जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल तो आपको इस वीडियो में बस एक छोटी जानकारी देने वाला, मैं नई कैटेगरी पर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑफ सेलेक्ट करें ताकि दोस्तों इससे संबंधित कोई नया बढ़े सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि सबसे पहले आप अपडेट रहें। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वंदे मातर।